छतरपुर में थाने पर पथराव के मामले में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में बनी आलीशान कोठी को तोड़ दी गई है। इस एक्शन के बाद मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली का एक बयान सामने आया, क्या कह रहा है वो सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की थी उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ़ FIR की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर TI साहब मौजूद नहीं थे, सिटी कोतवाली में करीब एक घंटे वो नहीं आए, तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एडिशनल SP साहब भी थे, SDM साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिल ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब TI साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो दोनों में झड़प हुई, इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्व द्वारा वहाँ से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, SDM साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहाँ रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को चितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, दो चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे, कोतवाली से पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, TI साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल ख़राब है और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल ख़राब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए, हम लोग किसी कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए SP साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, SDM साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुँची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से DIG साहब पहले यहाँ SP भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जाँच करें और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ की पुनः जांच करवाएं तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। तो सुना आपने, हाजी अली का ये कहना है कि किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जब TI और पुलिस लोगों को रोक रही थी तभी इनमें झड़प हुई थी, इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी भी की और पुलिस के कहने पर मैंने लोगों को रोका भी, ऐसा शहजाद का कहना है। मुझे भी पत्थर और चप्पल लगी है, दोनों तरह से पत्थर चले हैं और साथ ही उसने कहा कि पुलिस ने भी पत्थर चलाए हैं। माहौल बिगड़ता देख मैं वहां से निकल गया, ऐसा शहजाद का कहना है। पुलिस और प्रशासन की टीम हालांकि 45 अन्य आरोपियों के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है और इसके
के लिए बकायदा लिस्ट तैयार कर दी गई है आरोपियों की। इससे पहले शुक्रवार पर मस्जिदों के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि जुमे की नमाज को देखते हुए ये इंतजाम किए गए। शहजाद अली और उसके 4 अलग अलग भाई हैं जिनका कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है और बाकी दोनों भाई जमीन, रेत, पुराने टायर और ऑयल का कारोबार करते हैं। उनका ऐसा कब्जा था कि दूसरा व्यक्ति इस धंधे में एंट्री नहीं कर सकता था। उस पर जमीन पर कब्जे के भी कई बार आरोप लगे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ महाराष्ट्र के नासिक में महंत रामगिरी द्वारा पैगंबर साहब खिलाफ दिए गए एक बयान के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कोतवाली में जमा हुई थी। तभी अचानक से भीड़ ने पुलिस थाने में पथराव शुरू कर दिया। TI अरविंद सहित 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। हालांकि और भी ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और कहा कि यह घटना बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सख्त कार्रवाई होकर ही रहेगी। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद IG प्रमोद कुमार और कमिश्नर वीरेंद्र रावत भी छतरपुर आए थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि तस्वीरें भी सामने आई थी जब कई सारे लोग, लगभग 40 से 45 लोग थे, जब वो कोतवाली पहुंचे थे एक शिकायत दर्ज कराने के लिए, एक ज्ञापन सौंपने के लिए। लेकिन यहां पर ये लोग हथियार लेकर पहुंचे, पत्थर लेकर पहुंचे, तो आप इससे समझिए कि इनकी मानसिकता क्या थी। क्या ये वाकई में शिकायत दर्ज कराना चाहते थे? और जब पुलिस ने देखा कि इनके हाथ में हथियार है, पत्थर है, तो पुलिस ने मेन गेट ही बंद कर दिया थाने का, जिसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश इनमें देखने को मिला और इन लोगों ने तुरंत पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें जो सबसे मुख्य आरोपी जो सामने खड़ा था वो यही था, हाजी शहजाद अली, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और वो ये कह रहा है कि उसके खिलाफ जो है कोई साजिश रची गई है और उसने तो कुछ भी नहीं किया। हालांकि छतरपुर मामले में लगातार पुलिस अभी भी सर्चिंग अभियान चला रही है और उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनके अवैध तरीके से घर मकान बने हुए हैं। सोचिए, इतना आलिशान घर जिसकी कीमत करोड़ों में थी, अब उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है क्योंकि अवैध तरीके से इसको बनाई गई थी। कई गाड़ियां यहां पर, महंगी महंगी गाड़ियां यहां पर खड़ी थी, 3-3 फॉर्चुनर्स खड़े थे, इनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। इनको भी पुलिस की तरफ से जो है एक्शन इन पर भी लिया गया है। हालांकि अभी देखना होगा कि और भी कितने आरोपी हैं और कहां कहां एक्शन लिया जाएगा। आप छतरपुर मामले पर क्या राय रखते हैं जरूर हमें कमेंट कर बताएं, और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं, और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से DIG साहब पहले यहाँ SP भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ की पुनः जांच करवाएं, तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे।